जय हिंद डिफेंस लवर्स। रूस को यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किए हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है। आधिकारिक तौर पर इस चल रहे अभियान का प्राथमिक उद्देश्य यूक्रेन को डीनासिफाई बनाना और रूसी भाषी लोगों को बचाना है। हालांकि हम इस दावे का खंडन कर सकते हैं, परंतु यह भी सच है कि यूक्रेन ओसोव बटालियन और C-14 जैसे नव नाजी संगठनों का समर्थन करता रहा है। बहरहाल हम पहले से खोए हुए प्रदेशों को वापस करके सोवियत गौरव को बहाल करने के पुतिन के सपने को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के मामले में यूक्रेन पर रूस की बढ़त को देखते हुए इस संघर्ष को जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद थी। इसमें कोई शक नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना को असंतुलित कर दिया है। हालांकि ये सब सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों की मदद के कारण ही हो पाया है। प्रारंभ में रूसी ब्लिट्ज़क्रीग ने यूक्रेनी सेना पर कहर बरपाया और यूक्रेनी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इन क्षेत्रों में लाइमेन, खेरसान, मारियोपोल, स्वातोव आदि शामिल हैं। 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र से दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की। दोनोस्तक और लुंगासक पीपल्स रिपब्लिक की मान्यता पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन तब से संघर्ष में एक विवर्तनिक बदलाव आया है। नाटो हथियार आपूर्ति द्वारा पूरक एक आक्रामक यूक्रेनी जवाबी हमले के साथ साथ फैली हुई रूसी आपूर्ति लाइनों ने गति को बदल दिया है। प्रारंभिक सफलता के बाद रूसी सेना को कई प्रमुख शहरों से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तव में रूस ने खेरसान से वापसी का आदेश दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण दक्षिणी शहर और एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी, जिसे नवंबर 2022 में संचालन शुरू होने के बाद से वह जब्त करने में कामयाब रहा था। इस संघर्ष का खामियाजा भुगतते हुए रूस ईरान और उत्तर कोरिया को पछाड़कर सबसे स्वीकृत राष्ट्र बन चुका है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक और रूस के नुकसान में पश्चिमी देश आनंदित हो रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ रही है। घरेलू स्तर पर और युद्ध के मैदान में, खासकर रूस में हारने वाले तानाशाह से ज्यादा लापरवाह कोई नहीं हो सकता। ऐतिहासिक रूप से रूसी समाज हमेशा कमजोर नेताओं के प्रति असहिष्णु बना रहा है, इसीलिए यह पुतिन के लिए करो या मरो की स्थिति है, जिन्हें हर कीमत पर इस संघर्ष को जीतना होगा। जितना अधिक पश्चिम रूस को दीवार के खिलाफ धकेलेगा, उतना ही कठोर झटका होगा, खासकर जब से यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार रखता है। इस लेख में हम उन कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध को भड़का सकते हैं। यूक्रेन संघर्ष के जवाब में रूस ने देशव्यापी विरोध और जन लामबंदी की लहर देखी है। स्वतंत्र विरोध निगरानी समूह OVD इन्फो के अनुसार एक ही दिन में 1300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। जनता के आक्रोश का ऐसा प्रदर्शन अभूतपूर्व था। वास्तव में 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद से रूस ने अपना सबसे बड़ा उत्प्रवास देखा, लेकिन एक आक्रामक यूक्रेनी जवाबी हमले और रूसी हताहतों की संख्या में वृद्धि के बाद जन भावनाओं में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है। हिमार्स जैसे आला अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर की मदद से यूक्रेन रूस के भीतर घातक हमले कर रहा है। अमेरिकी खुफिया समुदाय का अनुमान है कि रूसी कैजुअल्टीज की संख्या लगभग 80,000 से 1,00,000 हो सकती है। हालांकि हाल ही में यूक्रेन के हिमार्स के हमले के बाद से रूसी सोशल मीडिया पर जनता के गुस्से की लहर चल पड़ी है, जिनके परिणाम स्वरूप 63 रूसी हताहत हुए हैं। इस हड़ताल के बाद रूसियों में रोष और बदले की भावना थी। अमेरिकी समर्थन द्वारा समर्थित रूसी हताहतों की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप रूसी जनता के बीच शिकार की भावना पैदा हुई है। कई लोगों ने खराब रूसी सैन्य नीतियों पर गुस्सा व्यक्त किया और कई ने यूक्रेन के लिए बढ़ते पश्चिमी समर्थन के बारे में चिंता व्यक्त की है। विश्लेषकों का मानना है यूक्रेन पर सामरिक परमाणु हमले को सही ठहराने के लिए पुतिन अपने पक्ष में इन भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक रूसी मीडिया ने यूक्रेन पर एक छोटे पैमाने पर परमाणु हमले की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। रूसी मीडिया पर राज्य के नियंत्रण को देखते हुए यह छूट नहीं दी जा सकती कि पुतिन जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने का विचार तैर कर रूस इस खतरे को समाप्त करने के लिए आम जनता की भावनाओं को अपील कर रहा है। यह स्पष्ट है कि इस संघर्ष को समाप्त करने और इस संघर्ष के कारण होने वाले सभी दुखों पर लगाम लगाने के लिए सामरिक परमाणु के उपयोग के संबंध में जन भावनाएं उभर रही हैं। अब इसे दुनिया भर में खतरे की घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि यह परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि अगर पुतिन को लगता है कि सामरिक परमाणु के इस्तेमाल को लेकर उन्हें काफी जन समर्थन मिला है तो वह इसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। दुनिया परमाणु संघर्ष के एक नए युग का गवाह बनेगी, एक ऐसा युग जहां सामरिक परमाणु को एक संघर्ष को समाप्त करने के आसान विकल्प के रूप में देखा जाएगा। हमारा मानना है कि विश्व युद्ध 2 के बाद से दुनिया ने जो परमाणु संयम देखा है उसका अंत होगा। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने और नियंत्रण चुनाव जीतने के बाद रूस ने इसे रूसी क्षेत्र का हिस्सा घोषित कर दिया था। बार बार रूस ने क्रीमिया की रक्षा करने की अपनी इच्छा को दोहराया है जैसे वह मॉस्को की रक्षा करेगा। इसमें न्यूक्स का उपयोग शामिल है। इस संघर्ष के प्रारंभिक चरण के दौरान यूक्रेन रूसी परमाणु सीमा को ट्रिगर करने से बचने के लिए अपराध को लक्षित करना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया और पश्चिमी सैन्य सहायता आने लगी, हमने एक और आक्रामक यूक्रेन देखा है। यूक्रेन ने अब क्रीमिया में प्रमुख रूसी सैन्य स्थलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अक्टूबर 2022 में रूस ने क्रीमिया में सैन्य प्रतिष्ठानों पर कई विस्फोटों की सूचना दी, जिसमें सेवास्टोपोल में एक प्रमुख रूसी नौसैनिक बंदरगाह पर एक समन्वित ड्रोन हमला भी शामिल है। अपने संबोधन के दौरान पीएम ज़ेलेंस्की ने क्रोएशिया में बुलाई गई अंतर्राष्ट्रीय क्रीमिया मंच के सदस्य शिखर बैठक में क्रीमिया को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई। किसी तरह पीएम ज़ेलेंस्की क्रीमिया को मुक्त करने के लिए आश्वस्त दिखते हैं। इसका कारण खराब रूसी प्रदर्शन और अटूट पश्चिमी समर्थन है। 20 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने केर्च जलडमरू मध्य पुल को निशाना बनाया, जो रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण धमनी थी। यह पुल रूसी आपूर्ति लाइन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसे दक्षिणी यूक्रेन में लड़ रहे अपने सैनिकों से जोड़ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने हमले को यूक्रेन द्वारा रूस पर किया गया आतंकवाद का कृत्य घोषित किया। इस हमले ने यूक्रेन को क्रीमिया में अधिक आक्रामक आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यह माना जाता है कि बढ़ते यूक्रेनी हमले के खिलाफ इस हिस्से में रूसी भेद्यता वास्तव में पुतिन को एक सामरिक परमाणु का विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर सकती है। दुनिया के पास पहले से ही पर्याप्त कोविड है और अब इसे जिस चीज की जरूरत है वह वैश्विक शांति और शांति से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए है। एक परमाणु युद्ध पहले से ही नाजुक वैश्विक वातावरण और अर्थव्यवस्था को और अस्थिर कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को आग में घी डालने के बजाय यूक्रेन रूस संघर्ष को कम करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। एक प्रमुख वैश्विक शक्ति और एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत को भी इस संघर्ष को दूर करने में मदद करनी चाहिए। भारत वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। यह एकमात्र देश है जिसके पश्चिम और रूस के साथ उत्कृष्ट संबंध है। उम्मीद है कि श्री बाइडेन और श्री पुतिन दोनों भारत में G20 शिखर के सम्मेलन में भाग लेंगे। इसलिए भारत को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समाधान निकालने के लिए सभी हितधारकों सहित एक संयुक्त बैठक आयोजित करनी चाहिए। इससे न केवल भारत का वैश्विक कद बढ़ेगा बल्कि वैश्विक शांति भी आएगी। तो आज के हमारे एपिसोड के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।